सो क्या हाल है दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो सो फाइनली गाइज आ गए एक और नए इंस्टाग्राम वायरल वीडियो एडिटिंग लेकर, जो कि इस तरह का वीडियो लाने में गाइज मेरा काफ़ी ज़्यादा समय लगा, तो उसके लिए गाइज आपको से दिल से सॉरी बोल रहा हूँ गाइज, क्योंकि बहुत समय मेरे को लाना लगा इस तरह का वीडियो लाने में गाइज, इसके लिए फिर से बोला सॉरी गाइज। आप समझे आप लोग वीडियो में बने रहे इंस्टाग्राम वायरल वीडियो कैसे एडिट करते, तो समझे आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं कैसे एडिट करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज यहाँ आपको पिक्सेल ऐप को ओपन कर लें, इसको आपको डिलीट कर दें, डॉट पे जाना है, इसको आपको 720 कर लेना है, ओके कर लेना। ओके करने इस कलर वाले ऑप्शन पे जाने गए, जहाँ कलर आपको व्हाइट कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले मेरे बताए गए स्टेप बाय स्टेप वो शायरी आपको क्रिएट करना है, क्योंकि अभी के समय में सभी को गए सेम टू सेम इसी तरह का शायरी क्रिएट करने आता है। सुनिए मैं शायरी आज क्रिएट करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे में शायरी क्रिएट करके दिखा गया हूँ। तो उसमें इस तरह का शायरी आपको क्रिएट कर लेना, और कैसे क्रिएट करते हैं तो सुनिए मेरे चैनल पर जाकर मैं इस तरह का शायरी क्रिएट करके बताया हूँ। तो सुनिए आप लोग वहाँ जाके शायरी क्रिएट कर लेना है आपको, तो समझिए इसको आपको सेव टू गैलरी कर लेना। इतना कर लेने के बाद इसमें बैक आ जाना है, बैक आने के बाद आपको लाइट मोशन को ओपन करना है, यहाँ से आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले क्या एक प्लस आपको ले लेना है, सॉरी प्लस वाले ऑप्शन जाना है, व्हाइट कलर लेना, क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपको मीडिया में जाना है, सबसे पहले आपको सॉन्ग एडिट कर लेना। तो चलिए मैं वही सॉन्ग ले लेता हूँ जो अभी मैं एडिट किया था। तो सिंपली सॉन्ग को लेना है, इसको एक्सट्रैक्ट एडिट करके वीडियो को आपको डिलीट कर देना, प्लस में जाना, मीडिया में जाना, अभी जो आपने क्रिएट किया पिक्सेल ऐप से सिंपली उसी को आपको ले लेना है। इसको गाइस साइज थोड़ा छोटा कर लेना ताकि वीडियो अच्छा लगे। इतना कर देना बस एंड तक इसको कर लेना। इतना करने का इसमें आपको फर्स्ट इफेक्ट ऐड करना है, वेव बार सिंपली इसमें फर्स्ट इफेक्ट एक प्लस लेना है, इसको गाइस आपको कर देना है 2.50। एंड में जाना एक प्लस लेना है, जीरो कर देना है। स्पेसिंग को गाइस 1.7 कर लेना है, इसको गाइस 1.6 कर देना है। सिंपली इतना हो जाने का इसलिए आपको बैक आ जाना है, बैक आने फिर से इफेक्ट पे जाना है, एडी इफेक्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको दूसरा इफेक्ट ऐड करना है जिसका नाम है सॉरी गाइस रेज, रेज करके इफेक्ट आता है RAYS गाइस, आप लोग सर्च करेंगे फर्स्ट पे दिख जाएगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है, इसके स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है। सबसे पहले गाइस इसको आपको ऑन ऑफ कर देना, आई वाले पे क्लिक करना, ये ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का इसको ऑफ करके बनाने में फायदा रहेगा, क्योंकि वीडियो लाइक करने लगता है अगर ऑफ नहीं करेंगे। तो सिंपली गाइस इसमें आपको एडिट करना एक प्लस ले लेना, इसको गाइस आपको कर लेना है कुछ इस प्रकार से 400 कर देते हैं। इसको गाइस आप अपने सॉन्ग के हिसाब से जहाँ पे मेरा सॉन्ग स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे जाके एक प्लस ले लेना है, इसको जीरो कर देना है, जीरो ही रखना है। शुरू में आ जाना है, फिर से गाइस इसको लाइटिंग जो दिख रहा है इसको गाइस आपको कर लेना है 4 कर देना है गाइस। तो चलिए मैं इसको 4 कर देता हूँ। तो सिंपली इतना हो जाने के बाद गाइस इसको आप कुछ नहीं करना है, इसको आपको अपने सॉन्ग जो अभी जो 4 सेकंड पे दिया तो वहाँ पे जाना है, एक प्लस लेना है, इसको जीरो कर देना है। ये जो इंसिनिटी दिख रहा है इसको आपको गाइस बढ़ा कर देना है, तो इसको भी बढ़ा कर गाइस आपको कर लेना है कुछ इस तरह से 4 कर देना है, इसको भी 4 कर लेना है सिंपली इतना का। इसको भी जीरो कर देना है। कलर गाइस ब्लैक वाले को आप कोई सा भी कलर दे देना अपने हिसाब से दोनों में। सिंपली इतना हो जाने के बाद सिंपली यहाँ पे गाइस आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने में तीसरा इफेक्ट इसमें आपको ऐड करना है वाइप, WIPE करके इफेक्ट फर्स्ट पे दिख जाएगा। इसके स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, इस पर क्लिक करना, एक प्लस आपको ले लेना है थोड़ा सा, अभी जो आपने 4 सेकंड पे गया था सिंपली गाइस वहीं पे आपको जाना है, एक प्लस लेना है। शुरू में आ जाना है, फिर फर्स्ट वाले प्लस पे जाना है, इसको गाइस आपको 100 तक कर लेना है। सिंपली 100 तक करने का गाइस एंगल को गाइस आपको 180 डिग्री कर लेना है, 180 डिग्री कर लेना है। ये जो गाइस आपको फीडर डिग्री इसको आपको 14 तक कर देना है कुछ इस तरह से। सिंपली इतना हो जाने वाले मेरा वीडियो बन के तैयार हो गया है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सॉरी गाइस यहाँ पे आपको रेज वाली इफेक्ट आपको दिखने, तो उसको ऑन कर देना है, अब मैं दिखाता हूँ ये। तो सॉरी गाइस फिर से ये दिखने रहा, तो इसमें आप कुछ गलती किया हूँ मैं, तो सिंपली उसको आपको एडिट करना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ, रेज पे आपको क्लिक करना है, स्क्रॉल करना है, गाइस इसी दोनों में से आपको कुछ गलती हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ इसको, सिंपली इसको गाइस आपको कर देना है इस तरह से माइनस में 1.44 ही रख देना है गाइस। सिंपली इतना हो जाने वाला गाइस इसको आपको लाइटिंग जो दिख रहा है गाइस लाइटिंग, ये लाइटिंग वाले पे आपको क्लिक करना है शुरू में ही, तो इसको गाइस आपको कम कर लेना है, इसको गाइस 1.30 कर देना है, उसको कर देना है 1.30 हो गया, सिंपली 1.30 कर देना है। इसको गाइस आपको करके 14 कर देना है 4 तक या 3.5
50 इतना भी कर देंगे तो सिंपली ये हो जाएगा, मेरे अंदाज से हो जाना चाहिए। तो चलिए मैं इसको अभी 4 कर देता हूँ, चलिए 4.0 है। इसको क्या आपको 0 कर लेना है, ये वाले को 0 कर लेना है। सिंपली अब आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। सिंपली ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, ये गाइस जो दिख रहा है रेज वाले, इसको अगर ज़्यादा रेज करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको उस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, रेज वाले पे आपको जाना है, ये जो टी डॉट दिख रहा है इस पर आपको ऊपर वाले पे क्लिक करना है, कॉपी कर लेना, इफेक्ट पे जाना, पेस्ट इफेक्ट कर देना, डबल रेज कर देना तो ये ज़्यादा दिखेगा। तो सिंपली वीडियो समझ में नहीं आ रही तो फिर से आपको स्टार्ट करके देख लेना है, आपको फिर से एडिट करना है इसको, गाइस आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कैसे एडिट करते हैं दूसरे वीडियो।